कायम में मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं यार। बीवी होने के नाते मुझे तुमसे वलीद की पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करनी चाहिए, लेकिन हानिया अगर ये सिलसिला और आगे बढ़ा तो सारे भरम खुल जाएंगे। सबसे ज्यादा नुकसान तानियाल और फातिमा को कि जिंदगी किस मोड़ पर आके खड़ी होगी अंदाजा है तुम्हें। आप ठीक कह रही हैं लेकिन मुझे बताएं मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं अम्मी को जाकर कहूँ कि आपने मुझे ये सब बताया है, या फिर मैं ताया बू को समझाऊं कि जिस इंसान ने उनको एक बार धोखा दिया है कि नहीं दोबारा हाथ आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? ये भी एक औरत उम्र को सिर के सहते सहते वनित के दुखों को बांटती थी और अब जाके मालूम हुआ था मेरी सारी कुर्बानियां बेकार थी। मेरी वफा की कोई कदर मेरे दिल पे क्या घुस? भाई अम्मी आप प्लीज संभालें खुद को। क्या संभालें खुद को? मैं तो बिल्कुल टूट गई। ऊपर से दानियाल और फातिमा की शादी करा के मजीद परेशान हो गए। फातिमा तानिया आई उकता गई वो मेरी मोहब्बत से, मैं उसको गलत रंग देने लगे हैं। मैं राजू को समेटते समय सबको समझाते समझाते थक गई और अब ये साथ ताये मैं समझती हूँ कि ये अम्मी की कोशिश है। रीजन आया वो पर यकीन है मुझे, वो कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि उनकी फैमिली को या आपको शर्मिंदा होना पड़े, रिश्तों को शर्मिंदा नहीं करेंगे। हाँ मैंने तो बेतबार करके ये सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर किया, इस दिन किसी को मत बता। मैं इसे मोबाइल फटीक के पास रखा। ताया मी आप ताया बो पे जाहिर मत होने दीजिएगा, क्या जान रही हैं कि अम्मी और ताया बो मिले थे?